यह तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव ब्रेकिंग न्यूज, जो उत्तराखंड से सारे मजदूर सुरंग से बाहर निकाल लिए गए हैं। सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें देखिए, पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद। एक एक मजदूर को वो एम्बुलेंस में बिठा रहे हैं, एम्बुलेंसेज रवाना हो गई हैं। ये देखिए पुष्कर सिंह धामी एक एक मजदूर से बात करते हुए। सभी 41 मजदूर निकाल लिए गए हैं सुरंग से। लगभग पौने घंटे का वक्त लगा लोगों को निकालने में। वहां तक पहले रैट माइनर, जो हाथ से खुदाई करके पाइप अंदर डाला गया, वो मजदूरों की 12 लोगों की जो टीम थी उसने वो काम पूरा किया। उसके बाद मजदूरों तक पहुंचे जो अंदर फंसे हुए थे, और फिर एक एक करके हर मजदूर को निकाल लिया गया, और पौने घंटे में सारे मजदूर बाहर आ चुके। सब मजदूर सुरक्षित, सारे मजदूर स्वस्थ। सब मजदूरों को चेकअप के लिए एम्बुलेंस में बिठाकर चिल्यानी सॉर्ट ले जाया जा रहा है, जो यहाँ से लगभग 1-1.5 घंटे का रास्ता है। वहाँ पर न्यूज़ 18 की टीम डटी रही, न्यूज़ 18 की टीम वहाँ अब भी मौजूद है। प्रियंका कांडपाल वहाँ पर मौजूद हैं। मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए NDRF की टीम पूरी तैयारी के साथ अंदर पहुँची थी। फिर महज पौने घंटे में, 35 से 45 मिनट के अंदर सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। प्रियंका कांडपाल वहाँ मौजूद हैं। प्रियंका, तो अभी क्या हो रहा है वहाँ पर? किशोर, 5 एम्बुलेंसेस को निकाल लिया गया है, बाकियों का इंतजार हो रहा है। एक महिला हमारे साथ है जो उस वक्त वहीं थी जब मजदूर बाहर आए। सबसे पहले तो उनके क्या हाव भाव थे, किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया? देखिए, वो जब बाहर आए तो हम पहचान ही नहीं पाए कि ये वही लोग हैं जो सुरंग के अंदर से आ रहे हैं। हाँ। जैसे उनको लाया तो बताया लोगों ने कि ये वो बिल्कुल खुश थे। हाँ। वो हंसते हुए बाहर आ रहे थे। हाँ। और ऐसा थंब का अंगूठा दिखा रहे थे उनको, बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत खुश है। ठीक है, तो थम्स अप यानी कि अंगूठा दिखाते हुए वो बाहर आए हैं, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए बाहर आए हैं। और यहाँ मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं किशोर, ये बैरिकेड के इस तरफ की तस्वीरें हैं। उस तरफ आपको पहले मैं तस्वीर एक बार दिखा दूं कि एम्बुलेंसेज जो है एक के बाद एक लगी हुई है। 5 एम्बुलेंसेज अभी जा चुकी हैं, और जो बाकी एम्बुलेंसेज हैं वो लाइन में लगी हुई हैं। जो 41 मजदूर हैं उनको जो बाहर लाया गया है, उनका एक टेम्परेरी अस्पताल, एक अस्थायी अस्पताल अंदर ही बनाया गया है, जहाँ पर पहले उनका प्रारंभिक उपचार हो रहा है। देखा जा रहा है BP ठीक है, तमाम चीज़ें तो शुरुआती तौर पर देखी जाती है। थोड़ा उनको वहाँ पर इंतजार कराया जा रहा है, क्योंकि 17 दिन के गैप के बाद वो बाहर आ रहे हैं। थोड़ा टेम्परेचर के साथ वो नॉर्मलाइज हो जाए, थोड़ी उनकी बॉडी को आदत पड़ जाए, और उसके बाद उनको एम्बुलेंसेज में यहाँ से भेजा जा रहा है। 5 एम्बुलेंसेज यहाँ से निकल गई हैं। तमाम जो वर्कर्स जो काम करते आ रहे हैं वो आज के हीरोज हैं। उनकी तस्वीरें, उनकी आंखें नम है, उनसे बात करते हैं तो वो रो पड़ते हैं और कहते हैं खुशी के आंसू हैं। तमाम लोग जिनको देखे एक एक करके आ रहे हैं, सबके सब। आप लोग भी अंदर थे भैया? आप लोग अंदर नहीं थे। ये तमाम लोग, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि इधर से आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पूरे जो बैरिकेड लगा दिए गए हैं उसमें स्ट्रिक्टनेस बरती गई है, किसी को भी जाने की अब एंट्री नहीं है। पुलिस की गाड़ी आती है, एक रास्ता बनाती है, और उसके बाद जो एम्बुलेंसेज है वो बाहर उनको लेकर आते हैं। एक एक एम्बुलेंस में बताया जा रहा है परिवार का एक सदस्य और एक मजदूर जो है वो रहेंगे। उसके साथ साथ परिवार के जो तमाम लोग हैं उनको दिन में ही आदेश आ गया था कि वो अपना सामान पैक करें, क्योंकि आज यहाँ से निकलने का समय है। तमाम लोग यहाँ पर जो बने हुए हैं, जो किसी ना किसी तरीके से मिशन का हिस्सा रहे हैं, आप भी इसमें इन्वॉल्व रहे भैया? मैं अंदर में काम किया हूँ। हाँ। और पूरा सुरंग का काम किया मैंने। हाँ। बहुत मेहनत किया। हाँ। और क्लियर करके अभी हम आदमी को निकालने के बाद फिर मैं बाहर आ रहा हूँ। अच्छा। अभी हमारे लगभग 27 मजदूर बाहर आ गए हैं। हाँ। और फिर सभी आदमी को लेके और वहाँ पे मेडिकल जाँच हो रहा है। हाँ। मेडिकल जाँच होने के बाद सभी को एक एक उनके कोट जैकेट दिया जा रहा है, फिर उसके बाद से सुरक्षित किए करके तब उनको आने दिया जा रहा है। अच्छा, तो आप किस टीम में थे, आप क्या कर रहे थे? मैं ट्रांसलेस कंपनी में काम कर रहा था। मैं कटर, वेल्डर और उसका जो भी अंदर का काम था, वेल्डिंग का सब मैंने हमने काम किया। तो देखिए ये लोग जो तमाम अंदर से काम करके आए, कितनी देर काम करके आए? आज कुछ ब्रेक लिया बीच में? नहीं नहीं, सुबह में 8 बजे गया था, सुबह मेरी 8 बजे एंट्री है और मैं अभी आ रहा हूँ। देखिए मेरा हालत भी देखिए, अभी पूरा मीठी लगा हुआ मेरे पैंट ढूंढ पे। लेकिन लग रहा है कि काम जो था, जिसको डे वन से करना चाह रहे थे, सफल हो गया, लोग अब बाहर आ गए। जी मैडम जी, मैंने बहुत हमारे सारे जो भी बंदे थे ट्रांसलेस कंपनी के, सारे बंदे ने मेहनत किया, खूब दिलो जान से मेहनत किया, और आज उसका नतीजा है कि हमारे सारे मजदूर आज बाहर आ गए। देखिए और हलचल बढ़ती हुई किशोर, यहाँ पर एम्बुलेंसेज एक के बाद एक नजर आने लगी है। यानी कि अगला सेट जो है एम्बुलेंसेज का वो बाहर निकल रहा है। रास्ता देखिए क्लियर करने की कोशिश यहाँ पर पुलिस की, क्योंकि एम्बुलेंसेज अब यहाँ से निकल रही है।
एक एक करके हम देखते हैं कि सबसे पहले एक एम्बुलेंस, पहले पुलिस की गाड़ी यहाँ पर जा रही है क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर उनके लिए बनाया गया है 4400 तक, तो ये पुलिस की गाड़ी और इसके बाद ये छठी एम्बुलेंस जिसके अंदर भी हम देखेंगे, देखिए थम्सअप का साइन दिखा रहे हैं पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं अंदर से, वो भी थम्सअप का साइन दिखा रहे हैं। ये दूसरी यानी सातवीं और शोर हर एक एम्बुलेंस के साथ, आठवीं एम्बुलेंस चली गई, ये नवीं एम्बुलेंस जा रही है, नाइन्थ एम्बुलेंस और ये दसवीं एम्बुलेंस की तस्वीर आपने देखी। और उत्तराखंड पुलिस की ये प्रोटोकॉल गाड़ी ग्रीन कॉरिडोर यहाँ से तैयार किया गया है। खुशी की लहर, जैसे जैसे एम्बुलेंस बाहर निकलती है यहाँ लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। 10 एम्बुलेंसेस यहाँ से किशोर निकल गई है और अब देखें यहाँ जो है ये आर्नोल्ड एक्स जो इंटरनेशनल टर्निंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, जिनको खास एक्सपर्ट एडवाइस के लिए मंगवाया गया था, हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी थम्सअप का साइन दिखाते हुए बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इनकी भी गाड़ी यहाँ से जा रही है एक्सपर्ट एडवाइस के लिए, इनको था ट्रेनिंग और तमाम चीजों में इनके मेहनत है, जो हम लगातार कह रहे हैं हर एक एक्सपर्ट ने, हर एक एजेंसी ने अपनी मेहनत की है जिसका नतीजा आप दिख रहा है। 10 एम्बुलेंसेस एक के बाद एक पार हो गई है, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं। अब अगला सेट जो है एम्बुलेंसेस का वो अंदर की तरफ जा रहा है। एम्बुलेंसेस के अंदर जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी खुशी से, वो भी थम्सअप का साइन दिखाते हुए यहाँ से आगे बढ़े हैं। ये तमाम लोग यहाँ से 4400 जाएंगे और 1.5 घंटे का रास्ता है, 45 किलोमीटर का रास्ता, पहाड़ी होने की वजह से 1.5 घंटा तकरीबन लगेगा। ये वहाँ पर पहुँचेंगे, 24 घंटे इनको निगरानी में रखा जाएगा और फिर अगर लगता है किसी को ज़रूरत है तो एम्स ऋषिकेश उनको यहाँ से एयरलिफ्ट करके लेकर जाया जाएगा। तो देख रहे हैं आप तैयारियाँ यहाँ पर पूरी हैं, पायलट गाड़ी भी रेडी है, सीएम पुष्कर सिंह धामी अंदर है, जनरल वीके सिंह जो एमओएस हैं और ट्रांसपोर्ट के वो भी अंदर मौजूद है। उनकी तो लगातार कैंपिंग रही है, वो यहीं रहे हैं, यहाँ से हिले ही नहीं है, तो वो भी फिलहाल अंदर हैं और ऐसे में अब और मजदूरों के बाहर आने का इंतजार हो रहा है। किशोर जी हाँ जी, अब तो प्रियंका 10 एम्बुलेंस निकल चुकी हैं, तो ये माना जाए कि एक एम्बुलेंस में एक मजदूर और उनके परिवार वाले, यानी 10 मजदूर जो हैं वो चिल्यानीसौड प्राथमिक उपचार केंद्र की तरफ जा चुके हैं, मेडिकल सेंटर की तरफ जा चुके हैं। देखिए जो जानकारी दी गई थी उसके हिसाब से एक एम्बुलेंस में एक परिवार का शख्स, एक मजदूर और पैरामेडिकल स्टाफ, उस हिसाब से 10 एम्बुलेंसेस निकल चुके हैं, तो ये कहना सही होगा कि 10 मजदूर 4400 तक जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो एम्बुलेंसेस अभी लगी हुई हैं उनकी गिनती अगर किया जाए तो ये कैलकुलेशन ये भी हो सकता है कि एक एम्बुलेंस में दो लोगों को भेजा जा रहा हो, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 40 एम्बुलेंसेस को यहाँ रखा गया था और ये कहा गया था कि सीरियस अगर किसी की हालत होती है तो ऐसे में उनको हम प्रायोरिटी पर सिंगल निकालेंगे। तो अभी ये कह पाना बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कि 10 मजदूर निकले हैं कि 20, लेकिन 10 एम्बुलेंसेस निकल गई हैं ये श्योरिटी से है। जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी मिलती है वो भी आपको अपडेट करेंगे और लगातार टीमें जो है वो बाहर आती जा रही हैं, वो तमाम लोग जिनसे हर सुबह हम लोगों ने अपडेट मांगे थे वो सब पूरे हो गए, चेहरे पे खुशी स्माइल आप देख रहे हैं, मिशन पूरा करके आए हैं और सर के चेहरे पे भी, सर इट्स ओवर नाउ, आर यू डन, आर यू हैप्पी? Yeah, more than happy. It's a moment of 41 lives. It's a war for humanity. We thank all the officials who were involved, all the departments, and they were all very glad. पूरी टीम इन्वॉल्व थी, जो लोग बाहर निकले वो लोग सब ठीक है, तबीयत ठीक है? हाँ सभी सही है और हमारे सब एम्बुलेंसेस में कैसे एक एक करके भेज रहे हैं, दो दो करके भेज रहे हैं, कोई आप लोग भेज रहे हैं एक एक करके भेज रहे हैं, तो ये मैं आपको चेहरे दिखाऊं किशोर, ये वो हीरोज है जिनकी तस्वीरें हम हर रोज इनसे पूछते थे कि सर जरा अपडेट बताइए अंदर क्या चल रहा है, आज इनको मुस्कुराते हुए देख रहे हैं क्योंकि फाइनली मिशन जो है वो पूरा हो गया है और ऐसे में अब थोड़ा और इंतजार क्योंकि 41 मजदूर जो है वो सब सुरक्षित बाहर आ गए, प्राथमिक उपचार फिलहाल उनका उस अस्पताल में चल रहा है, थोड़ी देर उनको बैठाया जा रहा है, थोड़ा टेम्परेचर के साथ, थोड़ा बाहर के एनवायरमेंट के साथ उनको रोकने के लिए कहा गया है ताकि एकदम आकर बाहर वो बीमार ना हो, 17 दिन से केवल एक बल्ब की लाइट पर है, तो ऐसे में बाहर आके क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, 10 डिग्री के आसपास बाहर का टेम्परेचर बना हुआ है,
टनल के अंदर थोड़ी गर्मी होती है। अब ये लगातार हम दिखा रहे हैं कि जैसे ही एम्बुलेंसेज आनी शुरू होती है लोगों का शोर यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर केवल वो लोग हैं या तो जो ऑपरेशन में शामिल थे जो यहाँ के, या फिर वो जो यहाँ के लोकल लोग, क्योंकि परिवार के तमाम सदस्य ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं, तो वो लोग जिनका या तो बिल्कुल ही ताल्लुक नहीं है या जो फिर ऑपरेशन में जुड़े हुए थे, उन तमाम लोगों की खुशी देखते ही बनती है जैसे ही एम्बुलेंसेज यहाँ से पार होती हैं। किशोर, या तो मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम पूरी तैयारी के साथ अंदर पहुंची थी और ये ऑपरेशन पूरा हुआ उन सबको बाहर निकालने का। प्रशांत चुरे भी वहां पर लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, आप किस तरफ खड़े हैं, वहां क्या हो रहा है? टनल के बिल्कुल बाहर 7:50 पर पहले मजदूर को सुरक्षित बाहर रेस्क्यू कर लिया गया और मैच 40 मिनट में 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया। 45 मिनट में उस प्राथमिक उपचार केंद्र तक उन्हें पहुंचा दिया गया और अब हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, 5-5 कर ये एम्बुलेंसेज बाहर निकलती हुई, 10 एम्बुलेंस बाहर निकल चुकी है और उसके बाद 5 एम्बुलेंस फिर एक बार रिवर्स करके टनल के भीतर बुला ली गई है, उनके परिजनों को भीतर बुलाया गया है। और हमारे ठीक सामने हम देख सकते हैं, मेरे सहयोगी युगल दिखाएंगे कैसे एम्बुलेंसेज भीतर जाते जा रही है और यहां से हम लगातार सुन रहे हैं भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। टनल के भीतर से एक आवाज जो लगातार रुक रुक करके गूंज रही है वो है जबरदस्त जयकारे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नाले गूंज रहे हैं, आतिशबाजी जबरदस्त की जा रही है, रुक रुक करके धमाकों की आवाज हम सुनते हैं। ये धमाके वो नहीं जो टनल में पत्थरों को क्रैक करने के लिए कुछ दिन पहले रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किए जा रहे थे, बल्कि अब इन्हें ये महसूस हो रहा है कि दरअसल असली दिवाली तो आज है क्योंकि दीपावली के दिन ही ये हादसा हुआ था और तब से आज 17वें दिन ये कामयाबी बड़ी हाथ लगी है और इसीलिए तमाम लोग आज सच्ची दीपावली महसूस कर रहे हैं, उसका इजहार करते दिखाई दे रहे हैं और अब ऐसे में नारे लगातार लोग लगाते हुए। और ये एक तस्वीर बेहद खास है इस वक्त किशोर, क्योंकि अब टनल के भीतर से एक एक करके एम्बुलेंसेज बाहर है, 5-5 कर दो बार में 10 एम्बुलेंस बाहर आ चुकी है और अब एक और एम्बुलेंस हरकत में दिखाई दे रही है जो रिवर्स में पीछे गई थी, अब संभवतः उसे फिर एक बार बाहर लाया जा रहा है और इसी तरह से तमाम 41 मजदूर जो वहां पर फंसे हुए थे जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है टनल के भीतर ही बने उस प्राथमिक उपचार केंद्र में जहां पर उनका प्राइमरी हेल्थ चेकअप हो रहा है, वहां उनके स्वास्थ्य की पड़ताल करके इस एम्बुलेंस के जरिए उन्हें ठीक 1.5 घंटे की दूरी पर बने अस्पताल में भेजाया जा रहा है, बहुत जरूरत हुई तो एयरलिफ्ट करवाया जाएगा। लेकिन जो जानकारी आ रही है वो ये कि तमाम मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ज्यादातर पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं, क्योंकि 17 दिनों से वो टनल के भीतर थे इसीलिए उनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। साइंटिफिकली आज से लोगों ने ये सलाह भी दी है कि इन्हें 48 से 72 घंटे तक अंडर मॉनिटर रखा जाए, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए, ताकि कहीं आने वाले वक्त में किसी तरह की कहीं स्वास्थ्य को लेकर ऊंच नीच ना हो। लेकिन अब तमाम परिजनों की आंखों में नमी देखी रही है हमें और वो लोग जो इस एम्बुलेंस के आने का ही इंतजार कर रहे थे, जो बाहर थे, उन्हें अब एक एक करके भीतर बुला लिया गया है और अपने परिजनों के साथ अब अपने परिवार के उस सदस्य को लेकर एम्बुलेंस से वो रवाना होते हुए प्रशासन ने जो तैयारी की थी और रुक रुक करके लगातार यहाँ नारेबाजी होती जा रही है, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे यूं लगाए जा रहे हैं जैसे ये एक बड़ा मिशन फतेह कर लिया गया हो। और वाकई ऐसा हुआ भी है, 17 दिनों से कई आंखें नम थी क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे थे, कई आफत के बादल यहां मंडराते आ रहे थे और अब आखिरकार आज 17वें दिन ये बड़ी कामयाबी। और जिस तरह से हम आकलन कर रहे थे, जो अंदाजा बताया गया था 7:50 पर पहले मजदूर को रेस्क्यू किया गया और हमने जो अंदाजा लगाया गया था कि 1 घंटे के भीतर भीतर इसी रफ्तार से सारे मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा और वही हुआ भी, 40 मिनट ही लगे, 40 मिनट में 41 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया और पास में ही बने अस्थायी अस्पताल में उस 1.25 घंटे के भीतर इन 41 मजदूरों को पहुंचा दिया गया जहां पर 8 बेड पहले ही लगाए गए थे। इस अस्थाई अस्पताल को कुछ एक्सटेंड भी किया गया था ताकि तमाम मजदूरों को बहुत तेजी से बाहर लाने की तैयारी उन्होंने कर ली थी। ये एक पुख्ता तैयारी थी, पुख्ता तैयारी और ये जज्बा, ये साहस उन मजदूरों ने भी 17 दिनों तक वहां पर दिखाया जिनसे लगातार कम्युनिकेशन हो रहा था। उनके स्वास्थ्य के बारे में जब उनसे पूछा जा रहा था उन्होंने ये भी कहा था कि ऑल इज वेल, यानी आप भी हिम्मत से काम लीजिए, ये रास्ता आगे बढ़ाइए, हम यहां पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और ये रेस्क्यू पूरा हो गया है और अब हम तस्वीर में देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी भी टनल के बाहर आ रहे हैं और टनल के बाहर ही यहां पर बाबा बौखनाथ का जो मंदिर है अस्थाई रूप से इस समय बनाया गया, वहां पर पूजा अर्चना करते हुए हम इस समय देख सकते हैं तस्वीरों में, मेरे सहयोगी युगल दिखा रहे हैं। आसपास अंधेरा घिर चुका है, बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ ये टनल, लेकिन यहाँ रोशनी जरूर कम है लेकिन उम्मीद की रोशनी हर किसी के दिल में जो जाग रही थी आखिरकार वो कारगर साबित हुई है। यहाँ पुष्कर सिंह धामी बाहर निकले हैं और मंदिर में माथा टेकते हुए इस वक्त हम उन्हें देख सकते हैं। बाबा बौखनाथ का मंदिर
जहां पर लोगों ने कहा है कि इसे अस्थायी रूप से बना दिया जाए और इसे स्थायी मंदिर बनाने की बात स्वीकार भी की गई है, ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया। और ये जहां माथा टेक कर टनल में दाखिल हो रहे थे, अब इस मिशन की कामयाबी के बाद पुष्कर सिंह धामी वहां फिर एक बार माथा झुकाते हुए शीश नवाते प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एम्बुलेंस भीतर मौजूद है, ये इस बात के साइन है कि ये मिशन पूरी कामयाबी से 100% सफलता के साथ कंप्लीट हुआ है। तमाम 41 मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। दीपावली के दिन यह हादसा हुआ था जब 60 मीटर का यह स्लॉट कोलैप्स हुआ था और तब से लेकर के अब तक के ना सिर्फ ये मजदूरों की जान आफत में अटकी थी बल्कि उनके परिजनों की भी सांसें अटकी हुई थी। तमाम बोले और एक बार फिर से टनल के भीतर से जबरदस्त आवाज गूंजती हुई दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है हमें। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। 41 एम्बुलेंस पहले ही तैयार कर लिए गए थे जो दूर पार कर दिए गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होने का इंतजार था। बीआरओ ने जो रोड बनाई हुई है, जो वर्टिकल टनल करने के लिए रास्ता खोदने के लिए बनाया गया था, उस रास्ते पर सारी एम्बुलेंस पार कर दी गई थी और अब एम्बुलेंस रिवर्स करके वापस बुलाई जा रही है। और ये तस्वीर में हम देख सकते हैं, अब ये पुष्कर सिंह धामी वापस मंदिर में माथा टेक कर नीचे उतरते हुए टनल के ठीक मुहाने पर यह अस्थायी मंदिर, बाबा बौख नाग का ये मंदिर। स्थानीय लोगों से आज हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये मंदिर यहां पर ही था, इसे हटाना बहुत उचित नहीं भी था, लेकिन अब आश्वासन उन्हें मिला है। इस कंपनी को भी ये आदेश दिया गया है कि जैसे ही ये काम यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा होगा, मंदिर निर्माण का काम भी साथ में शुरू कर दिया जाए, क्योंकि ये लोगों की अपनी आस्था है। आस्था एक तरफ, लेकिन तमाम टेक्नीशियंस ने जिस जज्बे के साथ ये काम किया है और खास तौर पर इस मिशन के जबरदस्त बड़े हीरो बनकर निकले वो रेड माइनर्स जिन्होंने हाथों से खुदाई की, जिनसे जब हमने बात की थी उन्होंने कहा कि अगर हमें ये मौका मिल रहा है तो ये हमारे अपने बंधु हैं, हमारे अपने साथी हैं, हम जी जान लगा देंगे, रात दिन एक करके भूखे प्यासे रहते हुए भी इस पूरी माइनिंग को अंजाम तक पहुंचाएंगे और एक एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकालेंगे। ये बात इन रेड माइनर्स से हमसे कही थी, उन्होंने ये पूरा जज्बा दिखाया था और आखिरकार उनका ये जज्बा कामयाबी तक उन्हें ले गया। सुरक्षित 41 मजदूर बाहर आए हैं, ये तस्वीर एक बार फिर हम देख पा रहे हैं। यहां पुष्कर सिंह धामी मंदिर में माथा झुकाने के बाद प्रार्थना करके वापस आ रहे हैं और ये खुशी का भी इजहार। पुष्कर सिंह धामी टनल में मौजूद रहे, दो बार वो कुछ ही देर में भीतर गए, बाहर आए और उसके बाद जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, एक एक कर उन मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, उन्होंने खुद अपने हाथों से फूल माला उन मजदूरों को पहनाई है, उनकी पीठ थपथपाई है, वो मजदूर भी खुश हुए हैं और एक बार फिर उनके साहस को सलाम किया गया है। और ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी अब बाहर आते हुए, ये वॉक करते हुए सीधे बाहर आ रहे हैं। बैरिकेटिंग जहां पर लगाई गई थी उस तरफ ये बढ़ रहे हैं और संभवतः अब ये अपना पूरा अनुभव साझा करेंगे, क्या कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इससे पहले तो पुष्कर सिंह धामी जो कम्युनिकेशन बनाया गया था उनसे बातचीत कर रहे थे, उनका ढांढस बना रहे थे कि आप धीरज रखिए, बहुत जल्द आपको सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। और उन मजदूरों को आज उन्होंने संभवतः ये कहा भी है कि अपना वादा हमने पूरा किया। हालांकि यहां पर तमाम वो जितने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए योद्धा थे उन्होंने इसे अंजाम तक पहुंचे साथ अपने पैरों पर चल करके सुरक्षित आ गए हैं, इससे बड़ा और खुशी का माहौल क्या हो सकता है। सर कितना बहुत बधाई हो आपको। पुष्कर सिंह धामी और जनरल वी के सिंह बाहर आए हैं, बैरिकेड तक पहुंचे हैं, सब मजदूर बाहर आ चुके हैं। 35-40 मिनट जैसा प्रशांत और प्रियंका ने बताया लगे इन सबको बाहर निकालने में और एम्बुलेंस में एक एक करके सबको भेजा जा रहा है। चिल्यानी सौड़ जहां पर एक उपचार केंद्र बनाया गया है, एक अस्पताल बनाया गया है जहां उनको मॉनिटरिंग में रखा जाएगा और सीएम जो है वहां पहुंचे हैं, प्रियंका वहीं पर है। प्रियंका, सीएम आपके पास पहुंच चुके हैं? सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं किशोर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताएंगे कि किस तरीके का मिशन रहा, कैसा ऑपरेशन था, क्या चैलेंजेस थे। लेकिन मैं बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं और साथ ही साथ ये जानकारी भी कि जो एम्बुलेंसेस गई हैं उसमें जरूरत के हिसाब से मजदूरों को भेजा गया है, यानी अगर किसी को अकेले भेजने की या जिसको रेस्ट की जरूरत लग रही थी उनको अकेले भेजा गया है, वरना एक एम्बुलेंस में 1 से 3 मजदूरों तक भी गए हैं। इसीलिए जब हम कह रहे हैं कि 10 एम्बुलेंसेस चली गई हैं तो मैक्सिमम जो मजदूर
मजदूर हैं उनको निकाल लिया गया है। अब एक और एम्बुलेंस जो है आपको पीछे दिख रही है और इसके अलावा अब एम्बुलेंसेस यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, ये सीएम का काफिला दिख रहा है और यहाँ आतिशबाजियां भी बीच बीच में आती है। एम्बुलेंसेस दिख रही है किशोर, एम्बुलेंसेस दिख रही है और एम्बुलेंसेस दिख रही है, यानी कि जो आखिरी सेट है वो एम्बुलेंसेस का निकलने वाला है। यहाँ पर फिलहाल ये कारवां नजर आ रहा है, वो तमाम एक्सपर्ट्स जिन्होंने दिन रात यहाँ पर मेहनत की है वो भी फिलहाल बाहर मीडिया के साथ मुखातिब हो। आप लोगों को क्या है, मोबाइल वाले मोबाइल हटाओ। अरे यार ये अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूँ व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबको, सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम उन जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है, सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी, मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊं और इस कठिन काम को, लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम और पूरा हमारा जहां सभी एजेंसियां लगी हुई थी वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे उसको पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा भी करेंगे और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं
और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई, और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकलकर आए हैं। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव, कभी भी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। पहले मजदूर से आपकी क्या बातचीत हुई? पहले मजदूर से आपकी क्या बातचीत? पहले पहले सर से क्या बातचीत? एक 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 सभी पहले मजदूर से क्या बातचीत सर आपकी? सभी देखिए अलग अलग थे, जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी उसमें सबा अहमद, गब्बर सिंह और अखिलेश, तीन इनके जो टीम लीडर थे उनसे लगातार हमारी बात हो रही थी। उसके बाद आने वाले सभी लोगों से लगातार बात हुई है, सभी पूरे देश भर के जितने भी मजदूर भाई उसके अंदर थे सभी को, सभी ने स्वयं ही आकर, चूंकि उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमको किसी परेशानी का कोई सामना नहीं। पहले शब्द क्या थे? देखिए उनको मैं बता रहा हूँ, उनको उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की कुछ चिंता तो नहीं हो रही थी? उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। सर एक चीज है, सर कोई विशेष क्राइटेरिया था बाहर निकालने का? उम्र या अल्फाबेट? नहीं, वो अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट इन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, नहीं नहीं अरे पहले एक मिनट भैया, एक मिनट, अरे इन्होंने जो पूछा मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा, और जो टीम लीडर है वो पांच लोग वो सबसे अंत में निकले हैं। सर सर सबसे क्रूशल मोमेंट कौन सा था? एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था, पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे क्रूशल मोमेंट आपके लिए क्या था? नहीं, जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था, और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3:30 बजे, और मुझे जैसे ही सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा, लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका आशीर्वाद। और उनको पूछिए तो आगे की, आप आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए अभी देखिए ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी, चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे, उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा। पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। नहीं, कोई क्रिटिकल नहीं है, सारे सामान्य। एक मिनट इनको पूछने दो, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। वर्कफोर्स कितना था, कितने लोगों को लगाया हुआ था, खासतौर पर अगर ऑपरेशन से बात, कितना बड़ा मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ नंबर? देखिए अब ये नंबर तो मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों की भी आवश्यकता पड़ी और देश के अंदर और विदेशों में भी जो टेक्नोलॉजी और जो विशेषज्ञ इसके थे, हमने सभी से कंसल्ट किया था, और जो सबसे अच्छा रेस्क्यू हो सकता था उस तरफ हम लोग बढ़े, हालांकि कठिनाई आई। एक मिनट, बात कंप्लीट कर लेते हैं।
जी सर, सर वो अभी वो आपको बता देंगे अलग से सर। और जितने भी लोग लगे यहाँ पे कौन थे राहत राशि आपका हो गया। आप भी बाबा बागनाथ के मंदिर में गए, वीके सिंह भी बाबा बागनाथ के मंदिर में गए। गांव वालों का कहना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आगे काम नहीं होने देंगे। क्या सरकार वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहां पर बनेगा बाबा बागनाथ की कृपा से। गांव वालों और पहले ही वो डिसाइड हो गया ऑलरेडी। सो मोटो हम लोगों ने दिया। एक मिनट बाबा, एक मिनट। इस पूरी कड़ी में राज माइनस की भूमिका कितनी अहम थी, वो अंतिम पड़ाव में आए और पूरा ये आपने शायद, मैंने जो सबसे पहले बीच में बोला था आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया। वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे। उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक, इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। सर मजदूरों के लिए किसी राहत राशि का ऐलान किया गया, कोई समर्थन राशि उनके लिए? नहीं सभी सर, समर्थन राशि राहत राशि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, फर्स्ट डे से लास्ट दिन तक वो चुनावी व्यवस्था के बावजूद इस पर मॉनिटरिंग करते रहे, उनकी समेत रहे, पूरे देश ने देखी है, क्या कहेंगे? मैंने आपको वो शुरुआत में ही कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता, तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे, प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को सफलता की ओर ले जाना है, इसको सफल करना है। कोई और है सर, आपने कब थाना की मुझे यहाँ कैंप किया, आपने कब थाना की मुझे यहाँ कैंप करना पड़ेगा और आपने लगातार कैंप किया? नहीं, मैं दीपावली के अगले दिन यहाँ आया था और उस दिन के बाद फिर मैं लगातार यहाँ आता रहा बीच में। और एक समय ऐसा आया कि अभियान हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर बीच में रुका। जब बीच में अभियान रुका तो उसके बाद मैंने तय किया कि जब तक ये अभियान पूरा नहीं होगा मैं सारा कामकाज यहीं पर रुककर करूंगा, कामकाज भी करूंगा और इस अभियान को भी पूरी तरह से देखूंगा। एक मिनट। नहीं, राहत राशि के लिए देखिए, राहत राशि के लिए हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है, 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHAI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए, 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सशर्त सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। धन्यवाद सर। कितने घंटे की मेहनत में रखा जाएगा? एक मिनट इनको पूछ लेने दे। अभी देखिए सबसे पहले अभी सभी लोग बिल्कुल जो भी अभी चेकअप हुआ है आने के बाद उनका ब्लड प्रेशर चेक हुआ है, अन्य जो भी जरूरी जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो किसी प्रकार के किसी भी कमजोरी के या किसी थकावट के किसी बुखार के कोई भी लक्षण उनके अंदर नहीं है, सारे के सारे स्वस्थ हैं। और इतना बताऊं कि जब उनके लिए अंदर स्ट्रेचर की व्यवस्था की थी कि वो स्ट्रेचर से आए, उसमें स्ट्रेचर पर नहीं आए, सारे लोग क्रॉलिंग करके आए हैं, तो वो सब स्वस्थ हैं और अच्छे तरीके से थे। इसलिए पहला सवाल जो मेरा था, हाँ, मुझे हम लोग को मैग्नीट्यूड समझा दीजिए कितना बड़ा ऑपरेशन था, मे बी इन टर्म्स ऑफ कितना कॉस्ट आया या फिर इन टर्म्स ऑफ कितना वर्कफोर्स। अब देखिए अभी तो पहले कॉस्ट को देखते कि हम लोग पहले उनके जीवन को सुरक्षित बचाते या उनको बाहर निकालते, हमारी पहली प्राथमिकता थी कि कॉस्ट कितनी भी लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर सबको सुरक्षित बाहर निकालना, ये हमारी प्राथमिकता थी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बताते हुए पूरे ऑपरेशन के बारे में, किस तरीके से उसकी मॉनिटरिंग की गई, किस तरह से लोगों को निकाला गया। पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह वहां से बाहर निकलते हुए सभी मजदूरों को निकाल लिया गया है, एम्बुलेंस के जरिए उनको भेज दिया गया है। उत्तरकाशी जिले में सुरंग के अंदर फंसे सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सुरंग से बाहर निकालने के लिए NDRF की टीम पूरी तैयारी के साथ अंदर पहुंची, फिर महज 35-40 मिनट के अंदर सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। 12 नवंबर से 8 राज्यों के ये 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए थे।
टनल से बाहर निकालने के लिए देश की 8 एजेंसियों ने 17 दिन तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि टनल में फंसे मजदूरों की हालत बिगड़ती जा रही थी। लेकिन सुरंग में जिस जगह मजदूर फंसे थे वहां पहुंचना बेहद मुश्किल था। इसके लिए सिल्क्यारा की ओर से पहले अमेरिकी ऑगर मशीन से 47 मीटर तक ड्रिलिंग की गई। मशीन खराब होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों को लगाया गया, जिनका जिक्र अभी पुष्कर सिंह धामी ने किया कि वो दिल्ली जल बोर्ड और गोरखपुर से आए थे। इन मजदूरों ने 24 घंटे में करीब 12 मीटर की खुदाई कर मजदूरों के निकलने के लिए रास्ता तैयार किया और टनल की खुदाई का काम पूरा होते अंदर फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इन 41 मजदूरों के टनल से निकलते ही पिछले 17 दिन से चल रही जंग खत्म हो गई, जिसकी तैयारी एनडीआरएफ की टीम ने मजदूरों का रेस्क्यू करने के पहले ही पूरी कर ली थी। टनल के बाहर हर उस चीज का इंतजाम किया गया था जिसकी जरूरत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पड़ती, क्योंकि सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी जिम्मेदारी एनडीआरएफ को सौंपी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ ने 15 लोगों की टीम बनाई। इस टीम में डॉक्टर भी शामिल रहे, जिन्हें एनडीआरएफ के जवानों के साथ पाइप की बनाई सुरंग के रास्ते मजदूरों तक पहुंचाने का प्लान बनाया गया। टीम के साथ पहिए लगे स्ट्रेचर, हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर भेजने की तैयारी की गई। टनल के अंदर जाने के बाद मजदूरों की जांच करने की भी योजना बनाई गई। मतलब मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाई गई, बल्कि सुरक्षा के हर इंतजाम को पूरा करने के बाद ही मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। बीते 17 दिन से टनल में फंसे मजदूरों की जांच के लिए सिल्क्यारा की तरफ से सुरंग के मुहाने पर एक अस्थायी मेडिकल रूम भी बनाया गया, ताकि पाइप के रास्ते सुरंग से बाहर आने पर उनकी फौरन जांच की जा सके। सुरंग के अंदर की गई तैयारियों की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें मजदूरों के लिए एक छोटा अस्पताल बना नजर आया। वहां कई बेड और उनके पास ही दवाइयां रखी दिखाई दी। टनल के अंदर ही डॉक्टरों की एक टीम भी तैनात नजर आई। इसके अलावा टनल के अंदर कुछ एम्बुलेंस भी खड़ी दिखी। अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को एम्बुलेंस से टनल से 30 से 35 किलोमीटर दूर चिल्यानी सौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की प्लानिंग है, क्योंकि वहां पहले ही मजदूरों के इलाज के लिए 41 बेड का अस्पताल तैयार किया जा चुका है। क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा, इसीलिए वहां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, ताकि मजदूरों को बिना किसी रुकावट के अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। किसी मजदूर की हालत ज्यादा खराब हुई तो उसे एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी की गई। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे अहम रोल रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों का रहा, क्योंकि इन मजदूरों ने 24 घंटे में हाथों से सिल्क्यारा की तरफ से 10 से 12 मीटर की खुदाई पूरी की। और उनकी इस कड़ी मेहनत की वजह से 17वें दिन सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए रास्ता तैयार कर लिया गया। मतलब दिल्ली से आए रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों ने कमाल कर दिया। एक रोज पहले सिल्क्यारा की तरफ से 6 मजदूरों ने पाइप के अंदर जाकर हाथों से ड्रिलिंग का काम करना शुरू किया। मजदूरों को सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए 10 से 12 मीटर की खुदाई करनी थी, जो किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि लोहे के पाइप के अंदर छोटी सी जगह में खुदाई करना बेहद मुश्किल था। लेकिन इसके बाद भी रैट माइनर्स ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। सोमवार यानी 27 नवंबर की शाम को खुदाई का काम शुरू किया गया और अगले दिन यानी मंगलवार की शाम तक ड्रिलिंग पूरी कर ली गई। मतलब टनल के अंदर मजदूरों तक पहुंचने में जहां आधुनिक तकनीक वाली अमेरिकी ऑगर मशीन कामयाब नहीं हुई, वहां हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों ने सुरंग से बाहर निकालने का रास्ता तैयार कर दिया। मतलब देसी तरीके से सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए ड्रिलिंग का काम पूरा किया गया। रैट होल माइनिंग, इनका मतलब सबसे पहले 1920 में अंग्रेजों ने इसको किया था। उस समय कोयले की खदानों में बिल्कुल वैसे ही खनन हुआ करता था जैसे चूहे अपना बिल बनाते हैं। ये जमीन में गड्ढा करते हैं और इसीलिए इसका नाम रैट होल माइनिंग रखा गया। रैट का मतलब चूहा, होल का मतलब छेद और माइनिंग का मतलब खुदाई, यानी छेद में घुसकर चूहे की तरह खुदाई करना। इसमें छोटे से छेद से पहाड़ के किनारे से खुदाई शुरू की जाती है। खुदाई के लिए हाथों से चलने वाली छोटी ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल होता है और हाथों से ही मलबे को बाहर निकाला जाता है। इस देसी तकनीक का इस्तेमाल कोयले की माइनिंग में खूब होता रहा है और यही देसी तकनीक सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए वरदान साबित हुई।
क्योंकि विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर ऑगर मशीन से आगे की खुदाई की जाती तो वहाँ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हिमालय के पहाड़ बेहद कच्चे हैं, मतलब पूरी पृथ्वी की तुलना में ये पहाड़ बहुत नए हैं, इसलिए इनकी चट्टानें कमजोर हैं। ऐसे में अगर मशीनों से ड्रिलिंग की जाती तो पहाड़ के धंसने का खतरा था। इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने रैट होल माइनिंग यानी हाथों से खुदाई का काम पूरा किया, ताकि बिना किसी मुसीबत और परेशानी के मजदूरों को निकालने के लिए पाइप डालने का काम पूरा किया जा सके। क्योंकि 24 नवंबर को ऑगर मशीन के खराब होने के बाद ऐसा लगने लगा था कि मजदूरों को सुरंग से निकालने में 5 से 6 दिन का वक्त और लग सकता है। लेकिन दिल्ली से बुलाई गई रैट माइनर्स की टीम यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों ने पूरी कहानी ही बदल दी। इन मजदूरों ने टनल में तेजी से खुदाई शुरू की और सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रास्ता साफ कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक उत्तरकाशी टनल में इन मजदूरों ने 800 मिलीमीटर यानी 2.5 फीट से ज्यादा चौड़े पाइप में घुसकर ड्रिलिंग के काम को अंजाम तक पहुंचाया। राइट माइनर्स टीम के लोग एक एक कर पाइप के अंदर जाते और फिर हाथों से छोटी कुदाल की मदद से वहां खुदाई करते थे। इसके बाद ये मजदूर ट्रॉली में करीब 250 किलो मलबा लेकर बाहर आते थे। पाइप के अंदर ड्रिलिंग के दौरान मजदूरों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए उनके पास ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा और हवा के लिए भी एक मशीन दी गई थी। क्योंकि सिलक्यारा की तरफ से अमेरिका की ऑगर मशीन से की जा रही ड्रिलिंग का काम बंद हो चुका था। 24 नवंबर को इस मशीन का एक बड़ा हिस्सा लोहे के पाइप से बनाई जा रही सुरंग में फंस गया था और उसे बाहर निकालने में रेस्क्यू टीम को नाको चने चबाने पड़ गए। और इसी वजह से सोमवार की दोपहर तक ड्रिलिंग का काम रुका रहा। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सिलक्यारा की तरफ से ऑगर मशीन से मलबे में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यानी सीधी खुदाई कर पाइप डाला जा रहा था। इस काम में रेस्क्यू टीम को काफी हद तक कामयाबी भी मिली, क्योंकि सुरंग के अंदर 47 मीटर तक ड्रिलिंग के जरिए पाइप डाला जा चुका था, जबकि सुरंग में 60 मीटर के हिस्से में मलबा फैला हुआ था। मतलब मजदूरों तक पहुंचने के लिए करीब 10 से 12 मीटर की दूरी और रह गई थी। लेकिन 24 नवंबर की शाम को ऑगर ड्रिलिंग मशीन के सामने लोहे का पाइप आने से मशीन का करीब 14 मीटर लंबा हिस्सा उसमें फंस गया। मशीन का जो हिस्सा फंसा उसे ब्लेड कहते हैं, जो खुदाई के दौरान आने वाली मिट्टी को पीछे की तरफ धकेलता है। उसी हिस्से को निकालने के लिए जब मशीन से दबाव डाला गया तो वो टूट गया। इसी वजह से सिलक्यारा की ओर से की जा रही ड्रिलिंग रुक गई। मतलब मजदूरों तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यानी सीधी खुदाई के जरिए पाइप डालने का काम फेल हो गया। और टनल के धंसने के बाद से ही सभी 41 मजदूर वहां फंसे थे। 12 नवंबर को यह हादसा तब हुआ था जब चार धाम प्रोजेक्ट के तहत यमुनोत्री हाईवे पर टनल बनाने का काम चल रहा था। लेकिन सुबह करीब 5:30 बजे सुरंग का एक बड़ा हिस्सा धस गया था, जिसकी वजह से वहां काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे। परेशानी ये रही कि जिस जगह मजदूर फंसे वहां पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सुरंग उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है, जो 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी। 12 नवंबर को 41 मजदूरों का दल सिलक्यारा की तरफ से ही टनल में दाखिल हुआ था। सिलक्यारा की ओर से करीब 2.5 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, जबकि डंडाल गांव की ओर से टनल में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की खुदाई हो चुकी है। बीच में सिर्फ 441 मीटर के हिस्से में काम चल रहा था, लेकिन इसी दौरान सिलक्यारा की तरफ से 60 मीटर का हिस्सा अचानक धस गया था, जिससे सारे मजदूर टनल में करीब 0.5 किलोमीटर के हिस्से में फंस गए थे। हालांकि सुरंग धंसने की जानकारी मिलने के फौरन बाद ही मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में पहली बार एंडोस्कोप कैमरे का इस्तेमाल किया गया था। इस कैमरे का इस्तेमाल सर्जरी के दौरान शरीर के भीतरी हिस्सों को देखने के लिए किया जाता है। इस उपकरण के जरिए ही पहली बार दिखा था कि सुरंग में फंसे मजदूर किस हालत में हैं। यानी सुरंग में जिंदगी और मौत से जूझ रहे 41 मजदूरों तक पहली बार कोई उपकरण पहुंचा था। पहाड़ को चीरते हुए जब एंडोस्कोप कैमरा उन मजदूरों तक पहुंचाया गया था, तब जाकर उनकी ये उम्मीद बढ़ गई थी कि जल्द ही उन्हें बचा लिया जाएगा। इस छोटे से कैमरे ने पहली बार दिखाया था कि सुरंग में फंसे मजदूर किस हालत में है, क्योंकि उससे पहले तक सब लोग उनके सुरक्षित होने का सिर्फ अनुमान ही लगा रहे थे। लेकिन एंडोस्कोप कैमरे ने पहली बार दिखाया था कि वहां फंसे मजदूरों की हालत कैसी है। यही नहीं, उसी कैमरे के जरिए मजदूरों से बात भी संभव हुई। एंडोस्कोप कैमरा सबसे आधुनिक मेडिकल उपकरणों में एक माना जाता है।
इसका इस्तेमाल इंसान के शरीर के अंदर सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। इस कैमरे के इस्तेमाल से शरीर के जोड़ों और दूसरे छोटे अंगों के अंदर देखकर इलाज किया जा सकता है। हालांकि रेस्क्यू टीम ने आपात स्थिति में मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए न सिर्फ प्लान बी बल्कि प्लान सी भी तैयार कर रखा। ये योजना इसलिए बनाई गई थी क्योंकि सरकार ने हर हाल में सभी मजदूरों को बचाने का भरोसा दिया था, जिसके लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन को कई बार रोकना पड़ गया था। कभी मशीन खराब हो गई थी तो कभी ड्रिलिंग के दौरान सरिया सामने आ गया, क्योंकि कुछ रोज पहले मशीन के कंपन की वजह से सुरंग में मलबा गिरने की भी खबर आई थी। इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को बाहर निकालने के लिए प्लान बी और प्लान सी भी तैयार कर रखा था। अधिकारियों के मुताबिक प्लान बी के तहत एक नहीं बल्कि दो वर्टिकल ड्रिल यानी सुरंग में ऊपर से दो छेद करने की तैयारी की गई थी। पहली वर्टिकल ड्रिलिंग करीब 86 मीटर की होने वाली थी। इसके अलावा प्लान सी के तहत टनल के दूसरे छोर यानी डंडाल गांव की तरफ से भी खुदाई की जा रही थी। इसके लिए चट्टानों और पत्थरों को तोड़ने के लिए 3 ब्लास्ट तक किए जा चुके थे। मतलब अगर सिलक्यारा की तरफ से किसी भी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रुक जाता तो फिर वर्टिकल ड्रिलिंग और डंडाल गांव की तरफ से मजदूरों को निकालने का काम तेज करने की योजना थी। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी भूमिका ऑगर ड्रिलिंग मशीन यानी जमीन से खुदाई करने वाली मशीन ने निभाई, क्योंकि जिस जगह सुरंग में मजदूर फंसे थे वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। इसी वजह से मजदूरों को बचाने के लिए अमेरिका की ऑगर ड्रिलिंग मशीन को दिल्ली से मंगवाया गया था, जो पहाड़ का सीना चीर कर मजदूरों तक पहुंचने की ताकत रखती है। ऑगर ड्रिलिंग मशीन दो तरह से काम करती है। जमीन में सीधा छेद करना हो तो वर्टिकल ऑगर ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। इसी तरह पहाड़ में सामने की तरफ खड़ी मिट्टी और पत्थरों की मजबूत दीवार को भेदना हो तब इंजीनियर हॉरिजॉन्टल ऑगर ड्रिलिंग मशीन लेकर आते हैं। इस मशीन में आगे छेद करने वाली हैमर रॉड यानी एक तरह का हथौड़ा लगा होता है। हैमर रॉड घूमते हुए मिट्टी और पत्थर की दीवार पर लगातार चोट करती है। वहां से निकलने वाली मिट्टी आगे नहीं गिरती बल्कि पेचकस जैसी घुमावदार ड्रिलिंग मशीन मिट्टी को पाइप के अंदर खींचकर उसे पीछे की तरफ निकालती रहती है। यानी जमीन में छेद करने के लिए पुरानी तकनीक की तरह गड्ढा खोदना नहीं पड़ता। आसान शब्दों में कहें तो ये पहले हथौड़े से चोट करते हुए गड्ढा खोदती है और फिर उसके बाद ड्रिल करती है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के सामने मजदूरों तक पाइप पहुंचाना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनके रास्ते में मलबे का ढेर था। ऐसे में मलबे के आगे क्या है इसका पता लगाने के लिए रेस्क्यू टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का भी इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे ये पता चलता है कि जमीन के अंदर क्या छुपा है, क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के सामने कई बार सरिया और स्टील के पाइप आ रहे थे। इसीलिए रेस्क्यू टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया था। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए किसी चीज या ढांचे को छुए बगैर ही उसके नीचे या अंदर मौजूद धातु पाइप या दूसरी चीजों की पहचान की जा सकती है। इसकी मदद से 8 से 10 मीटर की दूरी तक चीजों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसमें जमीन के नीचे छिपी चीजों का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। मतलब ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए जमीन या फिर दीवार के आर पार देखा जा सकता है एक्सरे की तरह। इसी वजह से मजदूरों तक पाइप पहुंचाने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया गया था। इसकी मदद से रेस्क्यू टीम को यह जानकारी मिली थी कि मलबे में कितनी दूरी पर क्या छिपा है। और तो और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पहली बार अंडरवाटर कम्युनिकेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया था। इस तकनीक के जरिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में फंसे मजदूरों से बात भी की थी और उन्हें सुरंग से जल्द निकालने का भरोसा दिया था। अंडरवाटर कम्युनिकेशन सिस्टम यानी पानी के अंदर बातचीत करने वाले उपकरण का इस्तेमाल SDRF काफी पहले से ही कर रही है, लेकिन खबर है कि सुरंग के अंदर इस सिस्टम का इस्तेमाल कुछ बदलावों के बाद ही किया गया था। SDRF इस तकनीक का इस्तेमाल नदी, तालाब और दूसरी जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करती है। ये सिस्टम इतना मजबूत होता है कि जब रेस्क्यू टीम पानी के अंदर किसी भी मिशन को अंजाम देती है तो इसमें हल्की सी भी आवाज को साफ साफ सुना जा सकता है। और इसके जरिए ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उन मजदूरों से बातचीत की थी। हालांकि SDRF ने इस सिस्टम में कुछ बदलाव करने के बाद ही सुरंग में मजदूरों तक भेजा था और सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने का भी प्लान तैयार किया था।
माना जा रहा है कि इसके जरिए सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों पर दिन रात नजर रखने की योजना थी, क्योंकि सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का काम मुश्किल होता जा रहा था। मजदूरों को बचाने के सभी उपाय अंतिम वक्त में फेल हो रहे थे। ऐसे में सुरंग में कई दिनों से फंसे मजदूरों की हिम्मत भी टूटने लगी थी। इस बीच ये खबर सामने आई कि उन मजदूरों पर दिन रात नजर रखने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंसानों की तरह सोचने और फैसले लेने वाला सॉफ्टवेयर, यानी AI अपने आप सोचकर और उसके अनुसार फैसले लेने की क्षमता रखता है। इस तकनीक की मदद से मजदूरों के बर्ताव पर नजर रखने की तैयारी थी, ताकि कोई भी मजदूर अगर मानसिक तौर पर कमजोर दिखे तो AI की मदद से उसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को मिल सके। क्योंकि इस ऑपरेशन में सबसे जरूरी था मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना, क्योंकि जरा सी चूक 17 दिन से उस सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान पर भारी पड़ सकती थी। इसलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF की टीम और सरकार ने कोई जल्दबाजी नहीं की, जिसका असर यह हुआ कि इस काम में लगी रेस्क्यू टीम को कामयाबी की किरण दिखने में 17 दिन का लंबा वक्त लग गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी तमाम टीमों की कोशिश यही थी कि टनल में फंसे सभी मजदूर महफूज भी रहें और तंदुरुस्त भी रहें। यही वजह रही कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया गया। यहां तक कि टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए विदेशों से मशीनें और एक्सपर्ट बुलाए गए, ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे, क्योंकि पहाड़ में ड्रिलिंग के दौरान अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो मजदूरों की जान पर बनाती। जानकारों की माने तो उत्तरकाशी में पहाड़ का ज्यादातर हिस्सा भुरभुरा है, यानी ऐसा है जहां जरा सी खुदाई या कोई तोड़फोड़ चट्टानों के खिसकने की वजह बन सकती है। मतलब ये कि जल्दबाजी में या गैर पेशेवर अंदाज में उठाया गया कोई भी कदम टनल में पहाड़ खिसकने की वजह बन सकता था, और ऐसा होने पर मजदूरों की जान बचाना नामुमकिन सा हो सकता था। इसलिए उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बड़ी सूझबूझ से काम लिया गया। इस दौरान रेस्क्यू टीम ने न तो मशीनों में बार बार खराबी आने के बाद धैर्य खोया और न ही खराब मौसम को देखकर उनके हौसले ने जवाब दिया। तकनीकी खामियों के कारण मिशन लंबा होता गया, लेकिन रेस्क्यू टीम ने हर कदम सोच समझ कर उठाया, और इस दौरान इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया कि मजदूरों की जान पर खतरा न मंडराए। मतलब सुरंग खोदने में तो सावधानी बरतनी थी, साथ ही सुरंग में 17 दिन से फंसे मजदूरों की जान भी बचानी थी, और इसके लिए रेस्क्यू टीम में जुटी टीमों ने दिन रात एक कर दिए थे। उस टनल में 41 मजदूर 17 दिन से फंसे थे, जिनके सामने सबसे बड़ा संकट खाने पीने का था, जिससे निपटने के लिए NDRF की टीमों ने एक पाइप को सुरंग में मजदूरों तक पहुंचाया और इसके जरिए उन तक खाने पीने का सामान पहुंचाने की व्यवस्था की गई। हालांकि ये काम उतना आसान नहीं था जितना सुनने या देखने में लग रहा है। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई। उस पाइप को मलबे के बीच से मजदूरों तक पहुंचाया गया और फिर प्लास्टिक की बोतलों में दाल, चावल और खिचड़ी भिजवाई गई। इसके अलावा मजदूरों तक दवाइयां भी पहुंचाई गई, क्योंकि आशंका ये थी कि उन मजदूरों तक कई दिनों से धूप न पहुंचने की वजह से उनमें विटामिन डी की कमी हो सकती है, जिससे निपटने के लिए उन तक विटामिन डी की गोलियां पहुंचाई गई। इसके अलावा उन्हें डिप्रेशन कम करने वाली गोलियां भी दी गई, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के लंबा खिंचने की वजह से उनका मनोबल न टूटे। लेकिन इस दौरान एक बड़ा चैलेंज यह भी था कि कई दिनों से टनल में फंसे मजदूरों की मानसिक स्थिति ना बिगड़े, क्योंकि वो 17 दिनों से उस सुरंग में अटके हुए थे और वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट गए थे, और यही उनकी मानसिक स्थिति के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए रेस्क्यू में जुटी टीमों ने सबसे पहले इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उन मजदूरों से संपर्क न टूटे, और साथ ही वहां मौजूद अधिकारी लगातार ये कोशिश करते रहे कि उनके दिमाग में किसी भी तरह का डर घर न कर पाए। SDRF की टीम ने जब पहली बार मजदूरों के साथ बात करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया तो मजदूरों से अधिकारियों ने भोजपुरी में बात की। सुरंग में बैठे मजदूरों के पास न तो कोई फोन था, न करने को कोई काम। उनके लिए ये खाली वक्त कई मनोवैज्ञानिक बीमारियों की वजह बन सकता था, इसीलिए मजदूरों तक ताश, लूडो और शतरंज जैसे खेल पहुंचाने की योजना बनाई गई, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही थी कि सुरंग में बिताए समय का असर मजदूरों के दिमाग पर लंबे वक्त तक रह सकता है। साथ ही डर ये भी था कि उन्हें सांस लेने के साथ ही घबराहट और नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। लेकिन रेस्क्यू में जुटी टीम में शामिल डॉक्टरों ने इसका तोड़ निकालने के लिए उनसे लगातार बातचीत जारी रखी। प्रियंका हमारे साथ वहीं से मौजूद हैं।
प्रियंका, तो सीएम धामी को भी हमने सुना और ये भी देखा कि किस तरीके से लोग अब तो सारी एम्बुलेंसेज निकल भी गई हैं, और वहां पर अब इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, अब जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे वो भी सब बाहर आने लगे हैं। मैं एक तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, ये एंडोस्कोपी का फ्लैक्सी कैम था। इस मिशन का सबसे पहला ब्रेक थ्रू अगर कहें तो वो तस्वीरें थी जिसके माध्यम से हमने देखा था कि तमाम जो मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं, तो वही ये पूरा रोल हो चुका है। ये वायर नजर आ रही है इस बैग में, वो एंडोस्कोपी फ्लैक्सी कैमरा है, और ये पूरी टीम जिन्होंने इस पूरे काम को किया है इनसे भी बात करते हैं। पूरे मिशन का पहला ब्रेक थ्रू तो यही था कि आपने कैमरा डाला और उनकी तस्वीरें सामने आई। आपके लिए क्या चैलेंजेस थे? कुछ भी नहीं, चैलेंजेस उतना ज्यादा नहीं था। हाँ। फिर कर दिया, बस इतना ही है। कर दिया। अभी ये सारा सामान वापस आप लोग ले जा रहे हैं? हाँ, ले जा रहे हैं। अच्छा, आप सर पहले जब पहला कैमरा डला, पहले वहां से तस्वीरें आई, किस तरीके के आप लोगों को रिएक्शंस थे, क्योंकि फर्स्ट तो वही तस्वीरें हम लोगों ने देखी? वही, हम लोगों का बहुत, मतलब हम लोग बहुत खुश हुआ, सब लोग को खुश कर पाया। हाँ। परिवार वालों को, जिन लोग उधर 41 लेवर अटका था। हाँ। उन लोगों का परिवार जनों को, ठीक है, सब लोगों को हम लोग खुश कर पाया पहली बार दिखा के। हाँ। ये हम लोग को तसल्ली हुआ, वो लोग ठीक है, हेल्थ कंडीशन ठीक है। हाँ। ये लोग पहली बार दिखा पाया हम लोग। हाँ। ये हम लोग को बहुत तसल्ली हुआ, सब लोगों को बहुत तसल्ली हुआ। तो मैं वही किशोर लगातार कह रही हूँ कि छोटे छोटे रोल सबके थे और ये मिशन इसी वजह से इतना बड़ा हो पाया। ये एंडोस्कोपी का ये फ्लैक्सी कैमरा जिसके पीछे ये पूरी वायर फिलहाल इन्होंने रोल की हुई है, ये पूरी उस जो 8 इंच का जो पाइप डला हुआ था उसके अंदर ये पूरा गया, इसके आगे कैमरा लगाया गया। और वो जो पहली तस्वीरें जिसमें वो कॉन्वर्सेशंस भी मुझे याद है, जिसमें पहले कहते हैं कि एक एक करके सब कैमरे के सामने आइए, वो सब कुछ इन्हीं से हुआ है। आज जब ये मिशन पूरा हो गया है तो उसको भी ये टनल से बाहर लेकर आ गए हैं और कह रहे हैं कि इनको इस चीज़ की खुशी है कि ये उस मिशन का हिस्सा रहे। पहली खुशी जो लोगों को मिली अपने परिवार वालों को देखकर, उसका वो पार्ट रहे। तमाम लोग, जो तमाम टीमें यहाँ पर हैं वो लगातार मौजूद, सबके चेहरे पर स्माइल जो हम लगातार दिखा रहे हैं। सर, एक बार फिर आपसे ज़रा बात करना चाहेंगे, मिशन पूरी तरीके से कम्प्लीट, एक सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या रहा? फर्स्ट चैलेंज विच वॉज बिगेस्ट? In fact, everything was a challenge. It was, everything was big, but today it looks small. And we got the 41 people, so that was there. And now the, we had to, you know, we had to get into the tunnels and the drones. Huh. And then we were looking at the plan B, plan C. Huh. So then we had to go with this technology. We had to go up above, and we had to, you know, look at the vertical hole, the other escape routes. Huh. And climbing up and down this hill, you know, that was something which is, today we relish it. We got the 41 people out, but the team, the way the BRO, the NDRF, the MOT, every department and... ये देखिए, आप में से कोई हिंदी में समझा सकता है ये जो कहना चाह रहे हैं, किस तरीके की फीलिंग रही आप लोग के? पहाड़ चढ़ना सबसे मुश्किल काम था? हाँ, तो जरूर, जैसे कि आप देख सकते हैं पहाड़ कितने स्टीप है, आम आदमियों के लिए तो आसान बात तो नहीं है। और GPR भी देखेंगे तो आप 6-7 किलो का, जैसे हमारे सर बोल रहे थे, तो इट वॉज लाइक रियली चैलेंजिंग। हम लोगों ने हमारे NDRF की भी मदद ली थी, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। उससे जो डेटा प्राप्त हुआ वो हम लोगों ने ड्रिलिंग टीम को भी प्रभावित किया था और बहुत मदद हुई है। और जैसे कि आप देख सकते हो अंडरग्राउंड में जो लीडर्स वगैरह चल रहे थे उससे हम लोग कन्वर्जिंग बार बार मॉनिटर कर रहे थे, एवरी 3 आवर्स पे स्कैन कर रहे थे, ताकि जो अंदर का ऑपरेशन चल सके वो बहुत सेफ्टी से हो सके और ताकि सब लोग कॉन्फिडेंस में रहे कि पापा और इसका आगे काम बढ़ सके। तो बड़ी बड़ी स्माइल्स किशोर सबके चेहरे पे, सबके काम सफल हुए हैं। और ये टीम जो है वो डाउन साउथ से आई है, तो कह रहे हैं इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ना ही हमारे लिए वन ऑफ द चैलेंजेस थे, वो भी अपने भारी भारी इक्विपमेंट्स के साथ। लेकिन आज वो सारे चैलेंजेस खत्म हो चुके हैं, आज वो सारी दिक्कतें बहुत छोटी लगती हैं, क्योंकि 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल कर ये तमाम लोग ले आए हैं। हम कह रहे हैं कि ये एक एजेंसी या एक किसी शख्स के बस की बात नहीं थी, ये तमाम 8 एजेंसियां जो लगी हुई थी, हर छोटा बड़ा ग्रुप, जैसे कि ये ड्रोन की मदद दे रहे थे, कई कैमरेज लगे हुए थे, तो ये तमाम लोग जो हैं इन सभी के सहयोग से ये पूरा मिशन हुआ और 41 मजदूर सकुशल बाहर निकाले गए हैं। किशोर जी, हाँ, और ये जो पूरी कोशिश हुई, इस पूरी कोशिश में इन सब का साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दिया। वो लगातार रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों से पल पल की खबर लेते रहे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो टनल के नजदीक ही डेरा जमा लिया था। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी छोटी से छोटी खबर पर भी पैनी नजर बनाए हुए थे। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं।
इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी वहां हर वक्त मौजूद रहे। उन्होंने न सिर्फ टनल के अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया था, बल्कि मजदूरों से बातचीत कर उनका हौसला भी बढ़ाया। जानकारी के मुताबिक इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के साथ मिलकर मजदूरों को निकालने की प्लानिंग की हर एंगल से जानकारी भी लेते रहे और वो ये जानकारियां प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाते रहे ताकि जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से तुरंत मदद मिल सके। और रेस्क्यू ऑपरेशन के खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर रेस्क्यू टीम की पीठ थपथपाई। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए टनल के अंदर फंसे मजदूरों के साहस और धैर्य की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने सभी मजदूरों के बाहर निकलने पर उन्हें बधाई दी, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम किया। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों और जवानों की बहादुरी और संकल्प शक्ति की तारीफ की और पिछले 17 दिन से सुरंग में फंसे मजदूर जैसे ही सुरक्षित बाहर निकाले गए उनके घर वालों ने खुशी में दिवाली मनानी शुरू कर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान निकाले गए मजदूरों के घर वालों ने इस मौके पर पटाखे भी चलाए और इसकी एक तस्वीर पश्चिम बंगाल के हुगली से भी सामने आई, जहां उत्तरकाशी में फंसे एक मजदूर के घर वालों ने आतिशबाजी की। उनके लिए पल बेहद खास बन गया क्योंकि 17 दिनों से मजदूर सुरंग में फंसे हुए थे, उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने दिन रात एक कर दिया था। लेकिन इन कोशिशों के बीच सिलक्यारा गांव के लोगों में एक चमत्कार की चर्चा भी तेज हो गई, क्योंकि एक दिन पहले ही टनल के पास मौजूद बाबा बोकनाग मंदिर के पास पानी के रिसाव से भगवान शिव की आकृति बन गई थी और तभी से गांव के लोग ये भरोसा जताने लगे थे कि अब मजदूरों को निकालने में जल्द ही कामयाबी मिल जाएगी। यहां तक कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए विदेश से बुलाए गए एक्सपर्ट भी यहां प्रार्थना करते नजर आए। ये हमारे सामने देखिए, टनल के पास ही जिस तरह से अस्थायी मंदिर बनाया गया है बाबा बोकनाग का, वहां खुद अर्नाल्ड पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों का मानना था कि सुरंग बनाते वक्त वहां मौजूद बाबा बोकनाग के मंदिर को हटा दिया गया था और इसी वजह से उस सुरंग में 41 लोगों की जान फंस गई। हालांकि सुरंग में मजदूरों के फंसने के बाद अधिकारियों ने फिर से टनल के बाहर मंदिर बना दिया और इसी मंदिर के पास गांव वालों के अलावा इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाए गए एक्सपर्ट आर्नल्ड डिक्स भी पूजा पाठ करते नजर आए। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी टनल में फंसे मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने पर खुशी जताई और रेस्क्यू टीम को बधाई दी। सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानीय जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभेच्छाएं देता हूं।